हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग जिस पोर्शन को स्टडी करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस में, वो है सब्जेक्ट मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पब्लिक फाइनेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने डेवलपमेंट में कैसे उसका इन्हेंस हुआ है उसको देखा। अब आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर बोलने का मतलब क्या, इस सब्जेक्ट में मैटर क्या है, या फिर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, आप इसको स्कोप भी बोल सकते हो। तो इनडायरेक्टली हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि इस पूरे पब्लिक फाइनेंस में ओवरऑल एज एन स्टूडेंट मेरे को स्टडी क्या करना है, और जब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा फिर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि अब इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक फाइनेंस। हम समझ गए कि पब्लिक फाइनेंस में इन सारे चैप्टर का, इन सारे पोर्शन को स्टडी करना है बस, बट इन सारे पोर्शन को जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, या फिर उसका यूज क्या है, उसको भी समझने का कोशिश करेंगे, और वो आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर हो या फिर इम्पोर्टेंस, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस का जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर उसको आपने देखा होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी मच इजियर फॉर यू, बिकॉज नियर अबाउट सारा चीज सेम है। सब्जेक्ट मैटर को आप ले लो या फिर डेवलपमेंट को ले लो, वहां पे भी मैंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो मॉडिफाई किए थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थॉट को, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, और ये जो रामायण मैं लिखा हूँ आपके लिए लिखा हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए कंसेप्ट, और ऐसा याद हो कि आपको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग और इसको इजी करके समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं बहुत ही सिंपल पढ़ रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस में मेरे को पढ़ना क्या है एज एन स्टूडेंट, हम लोग उसको अभी देख रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। ऐसा हम लोग अभी जो देखेंगे वही पब्लिक फाइनेंस में हमको मोर और लेस पढ़ना है। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब मैटर क्या है सब्जेक्ट का, तो उसको एक सिस्टमेटिक डायग्राम के थ्रू और सिंप्लीफाई करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। बट इसके थ्रू उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ड के रूप में समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस मेनली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ फंड्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मेनली हम इसमें पढ़ते क्या है, मेनली हम पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस में तो आपको दो बेसिक चीज बता देगा जो कि हम लोग एज एन स्टूडेंट पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं। पहला क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड बोलने का मतलब क्या, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को हम लोगों ने इलेक्ट किया है ताकि वो सारे को रिप्रेजेंट करे। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, वो कुछ एक्सपेंडिचर करेगा सभी के लिए, वो कुछ इनकम लेगा हम लोगों से, वो सिर्फ एक मीडियम है जिसको वो जो इनकम हम लोगों से ले रहा है फिर हम लोगों के लिए खर्च कर रहा है, जो जितना कमा रहा है उससे उतना ले लेता है, जो कम कमा रहा है उससे कम लेता है, और उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च कर रहा है, तो वो एक मीडियम है। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर में पढ़ते क्या है कि प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड मीन्स कैसे कोई भी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिक फंड को रेज करेगा या फिर रेवेन्यू को जनरेट करेगा, सबसे बेसिक स्टडी ये करते हैं। उसके बाद दूसरा जो बेसिक स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में वो ये है कि जो फंड रेज हुआ है उसको कहाँ पे खर्च किया जाए, मीन्स बेसिक दो चीज हम लोगों ने देख लिया जो कि स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में, जिसको आप स्कोप सब्जेक्ट मैटर कुछ भी बोलो, क्या क्या है बेसिक दो चीज। सबसे पहला चीज हम लोग जो कोशिश करते हैं ये जानने का कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट फंड कैसे जनरेट करे, दूसरा कि गवर्नमेंट जो फंड जनरेट किया है उसको खर्च कैसे करे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी स्टडी, हाउ शुड गवर्नमेंट जनरेट, व्हाट पॉलिसी शुड गवर्नमेंट अडॉप्ट टू जनरेट रेवेन्यू, एंड हाउ
The generated revenue should be expended in for the welfare of the people. What policy government should take in? So we study all those policy that should be beneficial for the people actually. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पीपल को देना है तो वैसा पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगा तो उस पॉलिसी कैसे लाना है क्या लाना है वो हम लोग पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं ठीक है. But with these two symmetrical branches of public finance, the problem of raising resources, ध्यान से एकदम समझना है, problem of raising resources बोलने का मतलब क्या, फंड को जनरेट करना या फिर रेवेन्यू को जनरेट करना है. रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कैसे जनरेट होता है, सो द बेसिक थिंग इज टैक्सेशन. टैक्स के थ्रू हम लोग जो पे करते हैं, बहुत सारा और भी वे है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जनरेट करता है, बट हम लोग उसको उसके लिए एक अलग चैप्टर है उसमें देखेंगे गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है. बट अभी आपको बेसिक ये समझना है कि अभी गवर्नमेंट है, आप डायरेक्टली किसी को जाके नहीं बोल सकते हो आप 1,000 रुपया दो, आप कुछ भी हैं, आप कितना भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, बट आपके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है तो आप किसी से इन्फोर्सली कुछ भी नहीं बोल सकते हो. तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम आया कि कैसे हम क्या बोले, सबको बोले जो सबके लिए वैलिड हो, सब हमको रेवेन्यू पे करे और मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट हो. द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फंड, सो दिस इज अ सर्टेनली अ क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज, हाउ गवर्नमेंट शुड रेज द रिसोर्सेज फॉर स्पेंडिंग दोज रिसोर्सेज फॉर द पब्लिक वेलफेयर, दिस इज ऑल्सो अ मेन प्रॉब्लम फ्रॉम विच दे आर सफरिंग एक्चुअली और दे नीड टू टेक डिसीजन, जिसपे उनको डिसीजन लेना है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो अराइजेज, मीन्स इनडायरेक्टली इसी को हम लोग अभी लिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्स अराइज हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. रिसोर्सेज बोलने का मतलब अभी मेनली समझ लीजिए आप मनी के बारे में, जो रिसोर्सेज अराइज हुआ है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. इट हैज टू ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ वॉट इज टू बी डन इन केस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू ऑफ स्टेट. अब आपको, आप एक इंडिविजुअल हो, अपना एक एग्जाम्पल लो, आपके साथ क्या होता है, कभी कभी आप मंथली जितना अर्न कर रहे हो उससे आपका इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअली ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत सारा सेविंग बच जाता है. तो सेम गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है. बजट क्या होता है, बजट कुछ भी नहीं होता है, बजट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और मैं उस रेवेन्यू को कहां कहां खर्च करने जा रहा हूं. तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, कभी कभी हो सकता है कि उतना जनरेट रेवेन्यू ना हो बट एक्सपेंडिचर वो उस साल ज्यादा कर दे. तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए क्योंकि बैलेंस दोनों नहीं है, जितना रेवेन्यू होना चाहिए और जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए. तो गवर्नमेंट नाउ नीड टू बैलेंस बिटवीन दीज टू, सो व्हाट दे शुड डू टू बैलेंस दीज एक्चुअली, व्हाट पॉलिसी दे शुड अडॉप्ट टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इज रेज. सो जो ये क्वेश्चन आया है या जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उसका आंसर कौन करेगा, पब्लिक फाइनेंस करेगा. कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फेस कर रहे हो जहां पे आपका रेवेन्यू उतना नहीं हो रहा है जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, देन एज एन व्हाट यू शुड डू एज एन गवर्नमेंट अथॉरिटीज और अथॉरिटीज व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. सो बोथ पब्लिक डेट as well as financial administration are also integral part of. तो अभी क्या होगा, अभी लोन लेगा गवर्नमेंट क्योंकि अभी रेवेन्यू को उसको एक्स्ट्रा लाना है, एक्सपेंडिचर को बहुत सारा खर्च कर दिया तो उतना राजकोष में धन भी आना चाहिए. तो पब्लिक डेप्थ, उधार कैसे अराइज होगा उसका भी हम लोग इसमें करते हैं, स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट किस वे में पब्लिक डेप्थ को अराइज कर सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे अराइज करता है उसको भी स्टडी करते हैं. And the way these things are administered, कैसे मीन्स इसको देखा जा रहा है, क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर जा रहा है. सो दिस ऑल आर द बेसिक पार्ट और द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन होल पब्लिक फाइनेंस एक्चुअली. यही सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहला फंड कैसे अराइज हो, मीन्स पब्लिक रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, पब्लिक रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसको खर्च कैसे करे, तीसरा अगर डेफिसिट का कंडीशन अराइज हो रहा है तो उस समय पब्लिक डेप्थ उधार लेके कैसे, किस वे में उधार ले, इंटरनल ले या एक्सटर्नल ले, चौथा इस सारे को मॉनिटर करना
पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी या कुछ भी पॉलिसी के थ्रू मॉनिटर करना, यही सब हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर स्टडी करते हैं। कि यहाँ पे पब्लिक मीन्स बोलने का मतलब, पब्लिक अथॉरिटी बोलने का मतलब क्या, गवर्नमेंट के बारे में पूरा हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब इसको एक सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू देखने का कोशिश करेंगे कि हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या, और फिर इसके बाद आप एग्जाम में एक्सप्लेन करना। मैं एग्जामिनेशन पर्पज से भी आपको बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि आपको किस वे में क्या आंसर करना है। तो जब आप पहले वो थोड़ा सा वर्ड फॉर्म में लिखना, फिर स्कोप लिखना, फिर लास्ट में लिखना, सो इन द मॉडर्न टाइम्स पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द फोर ब्रांचेस। फिर वही बात, ये पहला ब्रांच है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फ्रॉम द अबव ब्रांचेस और इन द अबव ब्रांचेस वे बेसिकली डील्स हाउ टू जनरेट रेवेन्यू एंड हाउ टू स्पेंड जनरेटेड रेवेन्यू एंड हाउ दिस प्रोसेस शुड बी एडमिनिस्टर्ड एंड व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ डेथ। सो दिस इज द बेसिकली व्हाट वी जनरली स्टडी, what we study in public finance। तो इस वे में आप इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद भी लिखना, तो सर्टेनली आपका आंसर तो लंबा भी होगा और थोड़ा इम्प्रेसिव भी हो जाए और थोड़ा सा बढ़ेगा भी। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, वो सब अपने से प्लान करके जो आपको सही लगेगा वो वैसे करना है। देखिए स्कोप में क्या है, सबसे पहला हम लोग पब्लिक रेवेन्यू को रखे हैं। स्कोप मतलब इसको भी और तोड़ रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्कोप सब्जेक्ट मैटर इस सब में वर्ड में जाल में नहीं फंसना है। सिंपली समझो कि आप पब्लिक फाइनेंस में क्या स्टडी कर रहे हो, बेसिकली हम उसको देखना चाह रहे हैं अभी। तो पब्लिक रेवेन्यू का सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, तीसरा पब्लिक डेप्थ, जब अगर दोनों में बैलेंस नहीं रहा तो पब्लिक डेप्थ कैसे गवर्नमेंट क्या लोन लेगा, किस वे में लोन लेगा, उसका स्टडी करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलने का क्या मतलब, जो पॉलिसीज आता है उसको गवर्नमेंट किस वे में एडमिनिस्टर्ड कर रहा है, किस बेसिस पे ला रहा है, कैसा पॉलिसी लाना चाहिए, तो ये सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो मेनली दो सोर्स अभी हम लोग लिए हैं, फॉरेन एड ये सारा वाला केस को अभी रख दे रहे हैं कि आप वहीं पे रहो। तो दो केस या फिर दो वे जिससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर दो मीन्स दो टाइप है जिससे टैक्स जनरेट होता है, डायरेक्ट टैक्स, नॉन डायरेक्ट टैक्स। और इसमें टैक्स रेवेन्यू से ही ज्यादा आता है, डायरेक्ट टैक्स से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे पब्लिक रेवेन्यू पोर्शन को। फिर हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में भी बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे करे तो प्रोडक्टिव होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, प्लैंड होगा या फिर अनप्लैंड होगा। बोलने का क्या मतलब, अगर वैसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझिए कि अगर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो प्रोडक्टिव है या नहीं, अनप्रोडक्टिव है या नहीं, गवर्नमेंट प्लैंड करके कर रहा है या नहीं, ये सब जो है कहां से मेरे को पता चलेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का अगर मेरे को आइडिया रहेगा तभी हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो कर रहा प्रोडक्टिव है, नहीं तो ये करता तब प्रोडक्टिव होता। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को कहां पे स्पेंड कर रहा है या कैसे स्पेंड कर रहा है, बट ये भी पढ़ते हैं वो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है। इसमें देखिएगा बहुत सारा थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक वेलफेयर, ये सारा जो थ्योरी है वो बेसिकली इसलिए, अगर पब्लिक वेलफेयर के बेसिस पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से दैट द एक्सपेंडिचर व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग दैट मे बी राइट, तो वो सब बोल सकते हैं। तो सर्टेनली हम लोग ऐसे इसके अंदर ये भी स्टडी करते हैं। फिर पब्लिक डेप्थ का पोर्शन आता है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं अगर इनकम मीन्स रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर है तो इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो इनकम को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सरकार लोन लेगा, तो वो इंटरनल डेप्थ या फिर एक्सटर्नल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ मतलब अंदर ही देश में ही लोन ले सकता है, फिर एक्सटर्नल बोलने का मतलब देश से बाहर दूसरे कंट्री या फिर IMF किसी से भी लोन लेगा। तो इंटरनल डेप्थ लेगा तो क्या प्रोसेस है, एक्सटर्नल डेप्थ में कितना इंटरेस्ट या क्या प्रोसेस है उसको स्टडी करते हैं। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिक दीज आर द थिंग्स, ओवरऑल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी और वी जनरली स्टडी, एनी स्टूडेंट स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस।
ठीक है, कोई भी स्टूडेंट पब्लिक फाइनेंस का हो तो यही पढ़ता है, या जो हम लोग अभी पूरे पढ़ने वाले हैं, वीडियो आने वाला है, हम लोग भी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसी से रिलेटेड होगा सारा। तो ये था सब्जेक्ट मैटर का कंसेप्ट, आई होप आपका क्लियर हो गया हो। तो नहीं क्लियर हुआ होगा तो जरूर बताइएगा, आप बताइएगा। इंपॉर्टेंस को आज मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ अर्जेंसी आ गया जिसके कारण से वीडियो यहीं पे अब बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइम भी बहुत लंबा हो जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा आपको देखने में, तो उससे बेटर है कि दूसरे वीडियो में आके मैं आपको नया कंसेप्ट दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और उसमें हम लोगों का इंट्रो पोर्शन नियर अबाउट खत्म हो जाएगा, फिर प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एक्सपेंडिचर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, मजा आया हो, और मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और ये चैनल भी पता चले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड आई होप यू गाइज विल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपको समझ में भी आ गया। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा।